श्री श्री राधिकाष्टकम् कुंकुमाक्ता कांचनार्ज गर्वहारी गौरभा पीतनांची ताब्जगंध कीर्तिनिंदी सौरभा वल्लवेश सुनु सर्व वांछतार्थ साधिका मह्यमात्म पादपद्म दास्य दास्तु राधिका कौरविंद कांतिनिंदी चित्रपट साटिका कृष्णमात भृंगकेणी फुल्लपुष्पवापिका कृष्णनित्य संगमार्थ पद्मबंधु राधिका मह्यमात्म पादपद्म दास्य दास्तु राधिका सौकुमार्या सृष्टपल्ला बालिकीर्ति निग्रहा चंद्रचंद नोत्पलेन्दु सिव्यसीत वीत्रहा स्वाभिमर्ष वल्लवीश कामताप बाधिका मह्यमात्म पादपद्म दास्य दास्तु राधिका विश्ववंद्य सौरताभि वंदिताभि जारामा रूपनाभ्य जौवनादि संपदान जत्समा शीलहार्द लीलयाच साजतोस्तीनाधिका मह्यमात्म पादपद्म दास्य दास्तु राधिका रासलाश्य गीतनर्म सत्कलाली पंडिता प्रेमरम्य रूपवेश सगुणाली मंडिता विश्वनाभ्य गोपयोसी दालितोपि जाधिका मह्यमात्म पादपद्म दास्य दास्तु राधिका नित्यनाभ्य रूपकेली कृष्ण भाव
संपदा कृष्णराग बंधगोप जोवते सुकं पदा कृष्णरूप बेसखेली लग्न सत्समाधिका मह्यमात्मा पाद पद्म नाशदास्तु राधिका स्वेदकंप कष्टकाश्रु गदगदादि संचिता मर्षहर्ष बामताभि भावभूषणांचिता कृष्णनेत्र दोषिरत्न मंडनालिदाधिका मह्यमात्मा पाद पद्म दशदास्तु राधिका या क्षणार्ध कृष्ण विप्र योग संततोदिता नेकदैन्य चापणादि भाववृंदमोदिता जत्नलब्ध कृष्ण संग निर्गतालिका निर्गताखिलाधिका मह्यमात्मा पाद पद्म दशदास्तु राधिका कुमकुमात्मा कंचनां च गर्वहारी गौरभा पीतनांची ताब्ज गंध कीर्तिनिंदि सौरवा वल्लवेश सानुशर्व वांछितार्थ साधिका मह्यमात्मा पाद पद्म दशदास्तु राधिका अष्टकेन जस्त्वनेन नौति कृष्ण वल्लवां दर्शनेऽपि शैलजादि योषिदारि दुर्लभां कृष्णसंग नन्दितात्मा दाश्यसीधुभाजनम् तं करोति नन्दिताणि संचयासु साजनम् जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव
ताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की, श्रील मधुपंडित गोस्वामी की, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की, श्री श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, श्रील गुरु महाराज की समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम ज्ञान तिमिरांध्यस्य ज्ञानंजन शलाकया शक्रणितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णभ्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्पदशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पूर्वं लंघयते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे परमानन्दमाधवम्। ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय, ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय, ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय। हरे कृष्ण। समस्त भक्तों के चरणों कमलों में मैं मथुरा दास वृंदावन धाम से दंडवत प्रणाम निवेदन कर रहा हूँ। विशेष करके मैं अपने आराध्यतम शिक्षा गुरु श्रीमद गौरव गोविंद स्वामी महाराज, शिक्षा गुरु श्रीमद राधा गोविंद दास स्वामी महाराज तथा हम सभी के शिक्षा गुरु आदरणीय अत्यंत कृपालु दयालु श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में कृपा भिक्षा मांगते हुए कुछ भगवत तत्व को विवेचना करने की और चर्चा करने की कामना तथा भिक्षा उनके चरणों में करता हूँ। हरे कृष्ण। तो कतिपय दिवस से प्रयोजन तत्व की चर्चा चल रहा है, तो इसी के क्रम में हम कल संबंध अविधेय प्रयोजन आदि की जो प्रयोजन की उत्कर्ष जो प्रयोजन किस प्रकार से होता है, कौन से संबंध से होता है, अर्थात किस भाव से होता है, जो कि सख्य दास्य बात्सल्य और माधुर्य, तो एक एक दिन में एक एक भाव की हमने चर्चा किया। तो हर एक व्यक्ति इस जीवन में यह लोभ उत्कंठा कामना और अत्यंत लालसा चित्त हृदय से यह प्रार्थना करना चाहिए कि कब मेरा भी वो सौभाग्य आएगा, मैं इस जड़ भौतिक बंधनों से मुक्त होकर के गुणातीत शरीरातीत सूक्ष्म शरीरातीत स्थूल शरीरातीत होते हुए आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करके कैसे मैं संबंध को प्राप्त करूं, अविधेय प्रयोजन आदि को प्राप्त करूं, और इस प्रकार के चार भाव जिस चार भाव को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए, चारी भाव दिया नचाऊँ भगवान, तो इस भाव से संबंधित होकर के मैं कैसे भगवान के नित्य लीला में सम्मिलित हो पाऊँ। इसलिए हम निरंतर भगवान को प्रार्थना करते हैं और महाप्रभु की यही आदेश से और इसी माध्यम से अर्थात नाम माध्यम से बस निर अपराध भाव से करना है। इसलिए हमने वैष्णव अपराध के बारे में 15-16 दिन चर्चा किया शुरुआत में। एक एक स्तर में हम गए हैं, चैतन्य चैतन्य में उसी स्तर में श्री कृष्णदास कुराज गोस्वामी गए हैं। तो निरअपराध रूप से जो भजन करेंगे, विशेष करके महत अपराध से बचना है जो उच्च कोटि के भक्त हैं, तो स्वाभाविक रूप से अगर अपराध मुक्त हो इलाह कृष्ण नाम, तो निश्चित रूप से हम भगवान के उस दिव्य भाव को जो कि दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य आदियों के द्वारा
परिपाटित होता है, सुशोभित होता है, उसको प्राप्त करेंगे। और जब तक नहीं प्राप्त करेंगे तब तक ही यह दुख रहेगा, यह संस्कृति की जो चक्र है वो निवृत्ति नहीं होगी संसार में, और जन्म मुक्ति चक्र में हम भटकते रहेंगे। तो इसलिए अब सुवर्ण अवसर है, तो इस सुवर्ण अवसर का परम लाभ उठाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की अनुकंपा से हम सबको यह हरिनाम प्राप्त हुआ है, प्रामाणिक गुरु परंपरा में युक्त हुए हैं, अपने शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु से युक्त होते हुए हमको अग्रसर होना है और महाप्रभु की कृपा कटाक्ष को जो हरिनाम के माध्यम से प्राप्त हुआ है गुरु परंपरा में, उसको स्वतः ही निरपराध भाव से और निष्काम भाव से करना है। निश्चित रूप से एक दिन आएगा और यह सब बात जो हमने प्रयोजन तत्व में या संबंध अभिधेय तत्व में चर्चा किया वो वास्तविक रूप से जगत हमारे चक्षु के सामने हमारे अनुभव में यह घटित होगा, संगठित होगा। तो प्रयोजन तत्व की अंतिम एक चर्चा हम आज कर लेते हैं। वास्तविक भगवान भौमे वृंदावन में जब थे तथा गोलोक वृंदावन में क्या करते हैं, ये तो संबंध के बारे में अविधेय और प्रयोजन के बारे में बताए। तो प्रयोजन साधित होने के बाद हम क्या करेंगे वहाँ पे और भगवान क्या करते हैं, और अपने अपने भाव के अनुसार सख्यवा दास्य वात्सल्य माधुर्य आदि भाव के अनुसार हम किस किस लीलाओं का साक्षी रहेंगे, तो इसको आचार्य लोग अनेक जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जैसे चैतन्य चरितम की रचना किए, वैसे ही गोविंद लीलामृत नामक ग्रंथ की रचना किए हैं जिसमें वो भगवान की अष्टकालीन लीला की वर्णना करते हैं। और अन्य आचार्य जैसे जैव धर्म आदि ग्रंथों में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भी इसकी चर्चा किए हैं। तो उन चर्चाओं के माध्यम से कुछ हम इस प्रकार की अष्टकालीन लीला जो भगवान प्रयोजन तत्व प्राप्त होने के बाद वास्तविक कृष्ण क्या करते हैं और हम लोग किन किन लीलाओं का साक्षी रहेंगे या उन लीलाओं में सम्मिलित होंगे अपने भाव के अनुसार, इसके बारे में थोड़ा हल्का अवगत हो जाए और उसके बाद प्रयोजन आचार्यों के बारे में चर्चा करें। और विशेष करके भगवान का जो दिव्य वृंदावन है, प्रेम परिभूता है, काम का कोई गंध है ही नहीं, सब कृष्ण के अनुरागी भक्त हैं और कृष्ण की सेवा करने के लिए व्याकुल चित्त रहते हैं। तो इसीलिए ये जो हम लोग को समझाने के लिए भौम वृंदावन की यह उत्कर्ष जो लीलाओं को समझाने के लिए आचार्य गणों ने भगवान की लीलाओं को 8 काल में विभक्त किया है, उसको अष्टकालीय लीला कहते हैं। माने भगवान प्रत्येक भक्त जब अनुकंपा से माने आचार्यों ने जो ग्रंथों की रचना की है उसको जब अध्ययन करेंगे तो स्वतः ही शायद लीलाक्रम परिस्फुटित हो, स्मरण आए। तो यद्यपि प्रभुपाद जी बहुत इच्छा किए थे इन सब ग्रंथों की रचना करना, ट्रांसलेट करना, लेकिन प्रभुपाद जी के पास समय बड़ा कम था। और आप देखेंगे प्रथम स्कंद भागवतम में एक जगह पर पोर्ट में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मेरी भी प्रबल इच्छा थी समस्त ग्रंथों की, जो हमारे गौड़े तत्वों की जो रहस्यतम ग्रंथ है उसको भी प्रकाश करूँ, लेकिन बड़ी व्यस्तता के कारण, वृद्धावस्था थी, रथ यात्रा करना था, विग्रह प्रतिष्ठा करना था, दीक्षा देना था, भक्तों को अनेक प्रकार की मैनेजमेंट में भी रहना पड़ता था, सब नवागत भक्त थे, किसी को कुछ पता ही नहीं था। तो प्रभुपाद जी इतने व्यस्त रहे 24 आवर अन्य अन्य उत्सव कार्यों में, वे इन ग्रंथों को रचना करने में भौतिक दृष्टिकोण से उनका समय नहीं मिला, लेकिन फिर ये मूल ग्रंथ प्राप्त हुए हैं समय के अनुसार। जो अनुभवी भक्त हैं, जो उच्च कोटि के भक्त हैं, वे इसको अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन एक प्रामाणिक भक्त के अंतर्गत होते हुए उनकी आज्ञा लेते हुए करना चाहिए। तो इसको हल्का चर्चा कर लेते हैं क्योंकि वास्तविक ये नहीं चर्चा किया जाएगा तो मानव प्रयोजन तत्व अधूरा रहेगा। तो इसलिए अष्टकालीन लीला में वास्तविक भगवान क्या क्या करते हैं गोलोक वृंदावन में या भौमे वृंदावन में या नित्य वृंदावन में, तो इसका एक सामान्य संक्षिप्त सूची हम प्रदान करते हैं। हरे कृष्ण। तो जैसे कि अष्टकालीन लीला हम कह रहे हैं तो 8 काल है, अष्ट प्रहर भी कहते हैं, एक एक प्रहर 3-3 घंटा का होता है।
तो 8 3 8 3 3 गुण लेंगे तो 24 होता है, 24 घंटा। तो ऐसे अष्टकाली लीला एक एक प्रहर की एक एक लीला होती है। तो एक प्रहर है निशांत, पहला प्रहर जो कहता है तो निशा का अंत निशांत, इसके प्रातः, उसके बाद पूर्वाह्न, उसके बाद मध्याह्न जो कि दोपहर तक है, और उसके बाद अपराह्न जो कि तृतीय प्रहर सायं और तृतीय प्रहर तक है, उसके बाद सायं अर्थात संध्या, उसके बाद प्रदोष, उसके बाद रात्रि। इस प्रकार के अष्टकालीय समय विधान वर्णना किया गया है। तो समय के अनुसार भगवान, हमारे भौतिक दृष्टिकोण से बोला जाए तो इसके अनुसार भगवान लीला संगठित करते हैं। तो पहले हल्का हल्का कुछ चर्चा करें तो निशांत जो समय होता है, निशा का निशांत अर्थात निशा का अंत मैंने रात्रि की जो लीलाएं हैं, तो उसमें वैसे देखा जाए तो वृंदावन अनंत करोड़ों कुंजों से निकुंज से निवृत्त निकुंज से परिभूषित है। तो भगवान कृष्ण निशांत में राधा एवं कृष्ण ये बड़ी निवृत्त लीलाएं होती है, उसमें 50 कुंजों द्वारा जो शोभित होते हुए परम रमणीय कल्पतरु निकुंज के अंदर, निवृत्त निकुंज के अंदर अप्राकृत रत्न घर के अंदर सैया में वे शयनरत होते हैं। तो निशा का अंत हो रहा है अर्थात जस्ट मंगल आरती से पूर्व की बात है यह। तो उनका निद्रा समय के अनुसार पूर्ण हो जाता है, अप्राकृत निद्रा है उन जुगल विग्रह की, तो वो निद्रा पूर्ति हो जाता है। एक दूसरे से प्रेमा आलिंगन अवस्था में रहते हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे के प्रेम से वंचित हो जाएंगे, इस भय से वे उठते नहीं। लेकिन वृंदा देवी की आज्ञा से पक्षी जो होते हैं, जो पक्षियाँ होते हैं अप्राकृत पक्षियाँ होते हैं वृंदा उनकी, वे सुमधुर करलव और ध्वनियों के द्वारा उनको उठाने के लिए प्रयत्न होते हैं। उसके उपरांत जो सारिकाएं हैं, सूख हैं, पक्षी आदि विविध वचनों के द्वारा, विविध सुमधुर वचनों के द्वारा बारंबार उन जुगल विग्रह को उन रत्न पलंग से जागृत कराने की चेष्टा करते हैं। और तदुपरांत कभी कभार तो ऐसा भी होता है, यद्यपि लीलाशुक अर्थात सुखदेव गोस्वामी गोलोक वृंदावन लीलाशुक हैं, उनका वचन सबसे सुमधुर है, अत्यंत सुमधुर कंठ से भगवत लीलाओं का अनुगान करते हुए वे राधा कृष्ण को उठाने के प्रयास करते हैं। लेकिन कभी कभार इतना सुमधुर स्वर भी भगवत विरह को प्राप्त कराएगा, और इसलिए उन राधा रानी को कभी कभार कर्कश, अत्यंत कर्कश लगता है, क्यों मुझे श्याम सुंदर से विच्युत कर रहे हैं। तो इसलिए वो कभी कभार क्रोध में श्राप दे दी थी, क्यों मुझे उठाने को जागृत कराने की चेष्टा करो। लेकिन फिर भी भौम वृंदावन में, क्योंकि जटिला कुटिला जब उठ जाएंगी तब तो बाह्य लीला परिप्रकाश हो जाएगा, इसलिए वे प्रस्तुत होते हैं जाने के लिए। तो सैया के ऊपर बैठ जाते हैं, जब बारंबार सुख सारी आदियों के द्वारा उठाने का प्रयास किया जाता है, और तुरंत ही जो तत्कालीनिक जो प्रातः मुहूर्त की सेवाएं हैं तो जागृत कराते हैं। जागृत होने के बाद सैया पे ही उनको जल आदि विविध प्रकार की व्यंजन और मुखवास आदि दिया जाता है। और तत्कालीनिक जो सेवा में रत सखियाँ हैं, मंजरियाँ हैं, वे युक्त हो जाते हैं, और ललिता विशाखा आदि सभी भगवान की जुगल विग्रह की आरती करते हैं। जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलाना, आरती कराए लड़ी
बता दी सखी गान। मदना मोहना रूप त्रिभंग सुंदर पीतांबर शिखी पुच्छ चूड़ा मनोहर। जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन तो ललिता आदि आरती करय ललित आदि सखी गण। आरती उठने के बाद तुरंत ही निशांत में अर्थात मंगल आरती वेला में अरुणिमा समय में सखी आदि लोग आरती करते हैं। तो प्रभुपा जी ने अंतिम में समझाऊंगा कैसे अष्टकाली लीला हमारे इस्कॉन मंदिर में या गृहस्थों को भी विग्रह सेवा में प्रदान किए हैं। इसी क्रम में वास्तविक प्रभुपा जी रहस्यतम शैली से इस समस्त लीलाओं को संगठित किए हैं। यद्यपि ओपनली इसको बोले नहीं, लेकिन जो परिपक्व भक्त होंगे वो समझ गए होंगे। बाद में मैं इसको चर्चा करूँगा। और मदन मोहन रूप त्रिभंग सुंदर, बड़ी मदन मोहन अत्यंत जुगल विग्रह अत्यंत सुंदर है। इसकी सीमा सौंदर्य की सर्वोत्तम सीमा को मानो पार कर रहे हैं। तो अत्यंत कमनीय स्वरूप है त्रिभंग सुंदर, और वे पीताम्बर धारण किए हुए हैं। सिखी पुच्छ चुड़ा मनोहर, अत्यंत चुड़ाओं से मनोहर वो स्वरूप है। और ललिता माधव बामे वृषभनु कन्या सुनीला वसना गौरी रूपे गुण धन्या। तो भगवान पीताम्बर पहने हुए हैं और ललित माधव अत्यंत ललित उनकी सौंदर्य है, उनकी अंग कांति है, दिव्य अपराकृत काम को अपराकृत प्रेम को प्रदान करने वाला वो जुगल स्वरूप का जो अत्यंत स्वीग्रह है, जो स्वतः ही सहज ही अपने रत्न पलकों से उठे हुए हैं, निद्रा अवस्था से जागृत हुए हैं और अत्यंत कमनीय मनोहर दिखते हैं। देखे होंगे जब बच्चे जब से सो जाते हैं बहुत सुंदर दिखते हैं, या उठने के बाद ही बड़े मासूम लगते हैं। ये तो व्यावहारिक जीवन की बात है, लेकिन भगवान की समस्त लीलाएं तो हर एक अवस्था में वे दिव्य हैं, शाश्वत है, चिन्मय है। और श्रीमती राधारानी वृषभानु कन्या, बामे वृषभानु कन्या और सुनीला वसना, वो नीला वर्ण नील वर्ण के साड़ी पहने हुए गौरी रूपे गुणधन, अत्यंत रूप माधुर्यता ललिता माधवता उनमें प्रकाशित हो रही है। इसलिए तो श्रीमती राधारानी को मदन मोहन मोहिनी कहा गया है। तो वे इतने अद्भुत उनकी सौंदर्य राशि है। और नानाविध अलंकार करे छल मला हरि मन विमोहन बदन उज्जल। नानाविध अलंकारों से आभूषण से वे आभूषित हैं, उद्भासित हैं। हरि मनो विमोहन वदन, अत्यंत उनका वदन अत्यंत उज्जवलतम अत्यंत चमक रहा है। और भी जैसे ललितादि सखी आरती करें, ललिता जी आरती पास्तव निमृत कुंज में उठने के बाद भगवान की आरती ललिता जी करते हैं, माने मंगल आरती ललिता जी करते हैं। और विशाखादि सखी गण नाना रागे गाय प्रिय नर्म सखी जता चामर ढुलाय। तो विशाखादि सखी आदि आरती के समय कीर्तन करते हैं, नृत्य गाते हैं, अर्थात मंगल आरती में जो गाते हैं वो मानो उनका ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और चामर ढुलाय प्रिय नर्म सखी, जितने प्रिय नर्म सखी उनके बारे में हम चर्चा किए थे, ये चामर ढुलाते हैं। श्री राधा माधव पद सरस जासे भक्ति विनोद सखी पद सखी भासे,
भक्ति विनोद वे सखियों के पद की सुखावली से निमज्जित होकर के उन लीलाओं को संदर्शन कर रहा है। तो ये भी जैव धर्म में भी शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने इसकी संरचना किया, अष्टकाली लीलाओं की सम्यक वर्णना किए हैं। तो उसके आधार होता हम यहाँ पे कुछ हल्का चर्चा करें। डिटेल कृष्णराज कविराज गोस्वामी अपने गोविंद लीलामृत में इसकी वर्णना किए हैं। तो इस प्रकार का आरती होने के बाद, विविध अन्य सब व्यवस्था होने के बाद, सब अपने अपने गृह को दौड़ते हैं। अर्थात क्योंकि निशांत होते हुए, प्रातः होते होते सब माने अपने अपने गृह में उनको प्रवेश करना होता, नहीं तो पकड़ में आ जाएंगे कि रात्रि भर कहाँ थे। तो राधा रानी भी अपने स्थान को जाती है, भगवान कृष्ण भी अपने स्थान को जाते हैं, सखाएँ सखियाँ भी अपने अपने स्थान को चले जाती हैं। उसके बाद प्रातः लीला संगठित होती है, जैसे कि लीलाओं में निशांत के बाद प्रातः लीला में, प्रातः में जैसे कि हल्का फुल्का चर्चा हुआ था, प्रातः में माता यशोदा जागृत होकर के कृष्ण शीघ्र कैसे सैया में उठे और गौशाला को गोदहन के लिए जाएँ, उसकी हम चर्चा किए थे। वात्सल्य भाव में उसकी व्यवस्था करते हैं। निद्रा से उठने के बाद माता यशोदा दंत धावन कराते हैं, दंत अर्थात दंत मर्जन आदि कराते हैं, और माता की आज्ञा से बलदेव के सह भगवान कृष्ण व्याकुल होकर के गौशाला को गोदहन के लिए जाते हैं। और उसी तरफ प्रातः में सखियों के द्वारा जागृत होने से श्रीमती राधा रानी जागृत होकर के दंत धावन करते हैं, शरीर में तैल आदि मार्जन करके स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होते हैं, और ललिता आदि सखियों के द्वारा राधा रानी को स्नान विधि में लाया जाता है। विविध आभूषणों से, अंगराग से, दिव्य गंधयुक्त अनुलेपन के द्वारा, माला पुष्प आदि के द्वारा वो विभूषिता होते हैं। और माता यशोदा क्योंकि राधा रानी को यह रसोई के लिए बुलाती हैं, इसलिए वे हमेशा जाते हैं, क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने उनको वरदान दिया था, इसलिए माता यशोदा रसोई के लिए राधा रानी को बुलाती हैं। तो राधा रानी भी जल्दी जल्दी तैयार होकर के पुनः नंदवन में प्रवेश कर जाती हैं। तो उत्तम पाचिका रोहिणी होने के उपरांत भी माता यशोदा राधा रानी को ही मुख्य भूता आधारभूता किचन की इंचार्ज कराती हैं, उनके तत्वावधान में समस्त आइटम होता है। उसके बाद कृष्ण नंद के सहित गोदहन को समाप्त करने के बाद गृह को प्रवेश करते हैं। गृह को प्रवेश करने के बाद सेवा गण के द्वारा तैल मार्जन आदि उबटन के द्वारा, विविध अंगराग के द्वारा, तैल के द्वारा, विविध पंचामृत आदि औषधियों के द्वारा स्नान करते हैं। उसके बाद नूतन वस्त्र को धारण करते हैं, शरीर में माल्य आदि चंदन आदि श्रृंगार होते हैं और माला से सुशोभित होते हैं। वे अनेक प्रकार के उनकी जो उनकी केस है, ग्रीवा है, ललाट है, बड़ी अद्भुत वो शोभा विस्तारित करता है। वे सेवक के समान मानो चंद्र समतुल्य ललाट के ऊपर तिलक की रचना किया जाता है। मुक्ताओं का हार, कान में मकर कुंडल धारण करते हैं। यशोदा माता बारंबार बुलाने के बाद वे भोजन गृह में प्रवेश करते हैं और वे सखाओं के सहित नंद बाबा आदि बलराम जी के साथ भोजन करते हैं। बीच बीच में परिहास करते हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं। भोजन के समाप्त के बाद आचमन आदि क्रिया करते हैं और सेवकों के द्वारा थोड़ा तांबुल लेकर के पान खाते हैं, और तांबुल लेने के बाद थोड़ी हल्की विश्रामरत रहते हैं पलंग के ऊपर। उसके बाद पूर्वाह्न लीला मन निशांत लीला, उसके बाद प्रातः लीला हो गया, उसके बाद पूर्वाह्न लीला। पूर्वाह्न लीला में भगवान गोप वेश धारण करते हुए कृष्ण गायों को लेकर के गृह से निकल पड़ते हैं, गोचारण करते हैं, और वे ब्रजवासी अपने प्रीतिवशतः कृष्ण को कुछ कुछ रास्ते तक छोड़ने के लिए जाते हैं। कृष्ण माने ग्राम्य मंडल को छोड़कर के वनमंडल में जा रहे हैं, तो प्रेम वस्त बार बार जाते हैं, लेकिन भगवान समझाते आ रहे हैं, मैं समर्थ हूँ, कोई बात नहीं, इतने सखाए हैं, आप क्यों भयभीत हो रहे हैं, क्यों चिंता कर रहे हैं, तो आप सब जाइए, अपना दैनंदिन क्रिया गोदहन आदि भी जो गो सेवाएँ हैं उसको करिए। तो वे पिता माता को प्रणाम करके और चले जाते हैं। और जो प्रियाएँ हैं, जो अनुकूल जो प्रेमिकाएँ हैं, अर्थात गोपी भाव आदि प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति हैं, वे भी
अनेक प्रकार की अनुगामियों के सहित भगवान कहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे करें लीला करेंगे, उसको गुप्त के हिसाब से दर्शन करते रहते हैं। और अनुगामियों के से यथा योग्य समापन होकर के विदाई लेने के बाद भगवान बच्छाओं के सहित, गोमाताओं के सहित वन में प्रवेश करते हैं। और वन में प्रवेश के उपरांत वे अनेक समय खेलते खेलते नाचते नाचते ही, जैसे सखे रस की चर्चा में हमने चर्चा किया था, वे समस्त सखाओं के सहित अपनी छल चातुर्य के द्वारा गोचारण के ऊपर अनेक लीला करते हैं। और कभी कभार जो प्रिय नर्म सखाएँ हैं, वो सख्य भाव में जो सखाएँ हैं उनको छोड़ करके कुछ प्रिय नर्म सखाओं के सहित भगवान राधारानी के सहित कहाँ पे मिलन होगा, मध्याह्न में भी एक जगह पे राधारानी के साथ मिलन होता है, जैसे संकेत वन है वृंदावन में, तो संकेत जब भगवान बाल भोग खाते हैं तभी सखियों को राधारानी को संकेत दे देते हैं कि मैं अमुक जगह पे हम मिलेंगे। तो तदनुसार वृंदा देवी सब लीला कर लेती है, तो उस संकेत स्थान को वे गमन कर लेते हैं। और मध्याह्न लीला उसके बाद प्रारंभ, पूर्वाह्न लीला समाप्त हुआ, उसके बाद मध्याह्न लीला। मध्याह्न लीला में इधर राधा रानी भी कृष्ण के वनगमन के उपरांत कृष्ण के दर्शन के निमंत्रित अत्यंत व्याकुल होकर के अनेक प्रकार के पकवान को लेकर के सूर्य पूजा के बहाने में वन को गमन करते हैं। जटिला कुटिला को छल करते हुए सूर्य पूजा के बहाने में वे वन को गमन करते हैं। और विविध प्रकार के पुष्प चंदन आदि, विविध प्रकार के आभूषण, विविध प्रकार के पकवान को लेकर के प्रियतम सखियों के सहित मिलित होकर के श्रीमती राधारानी वनगमन करते हैं। और इधर बहु यत्न से भगवान का मिलन की जो प्रयासरत जो प्रिय नर्म सखा है वे उस स्थान को ले आते हैं जहाँ पे भगवान का मिलन होगा। तो मध्याह्न लीला में राधा कुंड में विशेष करके लीलाएँ होती है, तो वहाँ पे अनेक प्रकार की अंतरंग लीलाएँ, नित्य वसंत युक्त लीलाएँ, चाहे होली हो, चाहे अनेक प्रकार की, उसको तो एक एक डिटेल हम नहीं कर सकते चर्चाएँ, और विविध प्रकार की अंतरंग लीलाएँ वहाँ पे होता है। वसंत वायुक्त वो जो नित्य आनंदित और आप्लावित करने वाला जो स्थिति है, अनेक प्रकार के जल क्रीड़ा से लेकर के राधा कुंड में या अन्य अन्य स्थान पर वे लीलाएँ करते हैं। और समय के अनुसार जो मध्याह्न लीला में राधा रानी विविध प्रकार के व्यंजन को भगवान को खिलाते हैं, तदुपरांत भगवान भी उन समस्त व्यंजनों को आरोगने के बाद समय के अनुसार उसके बाद निवृत्त निकुंज में प्रवेश होते हैं निकट में राधा कुंड के निकट, और वहाँ पे अनेक प्रकार की मध्याह्न लीलाओं को करने के बाद उस स्थान से वे सखाओं के पास पुनः आ जाते हैं अपराह्न लीला करने के लिए। तो कृष्ण के जो सखाएँ हैं वे मिलित भाव से गायों को पुनः एकत्र करते हैं, तो अर्थात वैकलनिक आरती से पूर्व जो समय है अपराह्न समय में, वे भगवान के लिए पत्रों का अत्यंत कोमल फूलों की शैया से भगवान की विश्राम की व्यवस्था करते हैं। वन का विविध प्रकार का फल फूल आदि ला करके भगवान को देते हैं। भगवान फल आरोगने के बाद वे सखाओं को गायों को एकत्र करने की बात कहते हैं, और मुरली की ध्वनि से भगवान आकर्षित करते हुए समस्त गोमाताओं को पुनः अपने स्थान पर लौटा लाते हैं, जो जहाँ पर चरती रहती है, यमुना के किनारे पानी पीती रहती है, सबको लौटा लाते हैं। और पुनः नंद और ब्रजवासियों को आनंदित करने के लिए कृष्ण गोधूली समय में गोमाताओं को लेकर के वे प्रवेश कर जाते हैं। तो कृष्ण गोचारण करते समय राजपथ में अनेक ब्रजवासी पहले से ही प्रतीक्षा रहते हैं, हर एक समय यही चिंता रहती है कब कृष्ण आएंगे। तो उसी उनका अंग स्पर्श करना, उनको मधुर वार्तालाप करना, उनको मधुर हसीयुक्त स्नेह भरा और चितवन के द्वारा दृष्टिपात करना, गोप वृद्धाओं को भी कायिक वाचिक नमस्कार करना, नंद यशोदा रोहिणी आदि को साष्टांग दंडवत करना, और प्रियाओं को कटाक्ष युक्त विनय के द्वारा सम्मान और आनंद प्रदान करना, इस प्रकार के भाव से परिभूत होकर के ब्रजवासी के द्वारा यथा योग्य आशीष संभाषण एवं पूजा प्राप्त करके गोष्ठ में गायों के सहित भगवान प्रवेश कर जाते हैं गोधूली बेला में। और माता यशोदा पुनः उनके स्नान आदि वस्त्रों की नूतन श्रृंगार की व्यवस्था करते हैं। स्वयं लीला में गोष्ठ में पहुँच कर कृष्ण पुनः
मतलब संध्या से पूर्व दुग्ध का दोहन करते हैं, जैसे सुबह दूध दुहे थे संध्या को भी दूध दुहते हैं, और बाकी गायों को समझा बुझा करके, क्योंकि कोई भी गाय छोड़ना नहीं चाहता था भगवान को, तो समझा बुझा करके उनको विश्राम करा लेते हैं, उनकी समस्त चारा की, उनकी समस्त प्रकार के खाद्यों की व्यवस्था करते हैं, और बलराम के सहित माता पिताओं के साथ बैठ करके अनेक चव्य चौष्य लेह पेय आदि नाना स्वादिष्ट खाद्यों को सायं बेला में भगवान ग्रहण करते हैं। उसके बाद प्रदोष लीला होती है, श्री राधा मध्य अपने अनुरूप माने आज्ञा वाहक होते हुए वे सखियों के द्वारा नाना प्रकार के पकवान व्यंजन आदि कृष्ण को भवन को भेज देती हैं। श्री कृष्ण पिता के आदियों की आज्ञा से राधिका के प्रेरित नाना विध जो अन्न है व्यंजन है उसको प्रशंसा करते हैं, उसको भूरी भूरी प्रशंसा करके उसको आनंद से ग्रहण करते हैं। उसके बाद पिता आदियों के द्वारा बंदियों के द्वारा भाटों के द्वारा सेवित होकर के सभा कक्ष में वे प्रवेश करते हैं, और सखाओं के द्वारा कृष्ण जो जो भगवान प्रसाद पाए हैं उसका उच्चिष्ट राधा रानी को भेज दिया जाता है आगुप्त सखाओं के द्वारा। उसके बाद सखाओं के द्वारा भगवान प्रेरित होकर के उस सभा मंच में बैठते हैं, और वहाँ पे विविध प्रकार के लीलाएं जो भगवान के गुणगान नाट्य आदि हास्य आदि लीलाएं होती हैं। उसके बाद भगवान स्वयं कुंज में प्रवेश करते हैं, यशोदा माता के लाड़ प्यार वात्सल्य भाव को प्राप्त करने के बाद, और पुनः जब यशोदा माता चली जाती है मानो भगवान प्रतीक्षारत रहते हैं, तो भगवान के निज महल के जो रत्न में एक झरोका है उस झरोका से भगवान जो संकेत स्थान में पुनः रात्रि में जहाँ पे मिलन होगा अभिसार के लिए, वे रात्रि में वहाँ में मिलन के लिए भगवान छुप करके वहाँ से चले जाते हैं। ये भौम वृंदावन की बात कह रहा हूँ। तो वृंदा देवी निज प्रेरित सखियों के द्वारा वहाँ पे उस स्थान को नृत्य वसंत के द्वारा सुसज्जित करा लेते हैं, और विविध प्रकार के निशांत लगभग माने जड़ता के दृष्टि से देखा जाए तो लगभग रात के 1:30 बजे तक यह विविध प्रकार के रात्रि लीला होती है, और तदुपरांत भगवान निवृत्त निकुंज में राधा रानी के साथ शयनरत होते हैं। तो इस प्रकार की वास्तविक लीला भौम वृंदावन में हुआ था, और नित्य वृंदावन में बस एक ही फर्क है कि माने वो केवल श्रोकिया रस से वहाँ पे मिलन में कोई बाधा है नहीं, लेकिन इस प्रकार की लीला सम्मिलित है अष्टकाली लीला के अनुसार है। तो ये सब लीलाओं के साक्षी हम बनेंगे, ना सिर्फ साक्षी बनेंगे अपितु इसमें सम्मिलित होंगे, अगर जो महापुरुष इस भाव को दिए हैं, चारी भाव दिया नाचाओं भुवन, तो चार प्रकार का भाव अर्थात जो दास सख्य है, दास्य है, वात्सल्य है, माधुर्य है आदि भावों को प्राप्त, यह ही जीवन का लक्ष्य है। हर एक भक्त को यह जीवन की लक्ष्य रखना चाहिए। हरि नाम का महत्व कोई कम नहीं है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति स्तत्रा पिता नियमित स्मरण नैन काल। तो लेकिन यह जीवन में कभी ना हो कि एतादृश तव कृपा भगवान ममापि दुर्देव दर्शन यहाँ जाने अनुराग। इसमें अनुराग नहीं हम उत्पन्न हो रहा है, यह नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से इसमें अनुराग उत्पन्न करें। हरि नाम कोई साधारण वस्तु है नहीं, इसको कोई भी साधारण न समझे। हरि नाम हरि से अभिन्न है, नाम नामी अभेद है, और नाम हित्य सर्वसिद्धि हुई वे सवार सर्वक्षण बोलोआर विधि नहीं यार। सर्वक्षण हरेक समय में ही भगवान का नाम बोलना चाहिए, यथा तथा की भजने की सयने की वा जागरणे अहर निश बोलो कृष्ण बोलो बदने। तो दिवा और रात्रि शयन के समय, भोजन के समय, जागरण के समय, हर एक समय में भगवान की भजन में युक्त होकर के जीवन को अतिवाहित करना चाहिए। तभी जाकर के हम काम युक्त विचारों से रागद्वेष हिंसा कपट माश्चर्य भाव पूजा प्रतिष्ठा पद आदि भावना से युक्त हो मुक्त होंगे। तदनुसार हमको साधु संगति करना चाहिए और दिव्य वीर्यवती कथा सुन करके अपने जीवन की कलमशता को और दुष्टता को और अज्ञानता को नष्ट करके भगवत साम्राज्य में प्रवेश होने के लिए व्याकुल चित्त होकर के इस प्रकार के भजन में, साधना में, यथाचथा आचरण तथा प्रचार में लग जाना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज प्रयोजन तत्व की चर्चा लगभग विराम को प्राप्त किया, तो प्रयोजन के जो हमारे
देव हैं अर्थात गोपीनाथ के बारे में कम कुछ चर्चा करेंगे, और प्रयोजन के आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी तथा जो प्रयोजन के विग्रह गोपीनाथ को आविष्कार के उन मधुपंडित गोस्वामी के बारे में चर्चा करके यह जो लंबी चर्चा अर्थात संबंध विधेय प्रयोजन को विराम को प्राप्त करेगा। तो समय के अनुसार भगवान इसको निश्चित रूप से चर्चा करने को हमको अधिकार देंगे, यह हमारी आशा है। तो किसी का अगर प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि शायद शनिवार रविवार को 5-10 तक ही समय रहता है, तो इसलिए हमारे पास अभी 6 मिनट ही हैं, तो प्रश्न कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, है किसका प्रश्न? हाँ पूज्य दंड उठना, जो आपने अष्टरह लीला बताया, हाँ उस अष्टरह लीला अष्टकाली लीला, हाँ अष्टरह लीला जो बताया, हाँ उसमें आपने बताया है कि अष्टरह की लीला जैसे किसान प्राक प्रबंध लीला, हाँ मध्याह्न लीला, हाँ, इन सब का जो संचालन है माता यशोदा देखती है या राधा रानी देखती है? नहीं, वास्तविक वृंदावन की जो भौम वृंदावन अष्टकाली लीला की जो संचालन है, यो योग माया अर्थात पौर्णमासी देवी या वृंदा देवी इसको देखते हैं, लेकिन अलग अलग जो वृंदा देवी जो वृंदावन की देवी है, वृंदा देवी वे सबको संचालन करते हैं। माने हर एक लीला में जो जो भी वस्तु की आवश्यकता है, वस्त्रों की, फूलों की, परिधानों की, व्यंजनों की, या कौन क्या सेवा करेगा, वो भक्ति देवी अर्थात तुलसी माता अर्थात वृंदा देवी ही यह सब सेवा की व्यवस्था करते हैं। पौर्णमासी इसकी अध्यक्षता करते हैं अर्थात योग माया, तो उनके गाइडलाइन में होकर के समस्त व्यवस्था होता है। ठीक है, इसमें माता का कोई रोल नहीं? नहीं, माता का जहाँ पे वात्सल्य भाव है वो वहाँ पे रोल है, अन्य भाव क्योंकि यहाँ पे हर एक भाव का माने संबंध है अर्थात प्रयोजन है, अर्थात सख्य भाव का, वात्सल्य का, माधुर्य का भी है। जैसे रात्रि लीला में भगवान राधा रानी के सहित है, वहाँ पे तो यशोदा माता कोई काम नहीं है, या सखाओं के सहित भगवान है तो वहाँ पे भी यशोदा माता कोई काम नहीं है। केवल जहाँ पे वात्सल्य भूत संबंध है, विशेष करके प्रातः लीला में और सायं लीला भगवान के सोने तक, भगवान घर में लौटने के बाद सोने तक तथा सुबह जगाने तक और स्नान आदि कर्मों कर बाल भोग तक, ये माता यशोदा के तत्वावधान में होता है, लेकिन वास्तविक की जो लीला संगठित वृंदा देवी और पौर्णमासी ही करते हैं, ये तो बस सेविकाएं हैं माता यशोदा भी एक दृष्टिकोण से, लेकिन व्यवस्थाएं सब वे करते हैं। जो अष्ट प्रहर बताया उसमें छठा वाला प्रहर का क्या नाम है? एक है हाँ लीला, उसके बाद नहीं, उसके बाद देखिए पहले तो निशांत है, उसके बाद प्रातः दूसरा, तीसरा पूर्वान्न है, और चौथा मध्यान्ह है, पांचवा अपरान्ह है, अपरान्ह जो तृतीय प्रहर तक रहता है, उसके बाद छठा सायम है संध्या वाली लीला, उसके बाद सातवा प्रदोष है, और आठवा रात्रि है, अर्थात संध्या से रात्रि तक जो वेला उसको प्रदोष भी कहते हैं, और अंतिम रात्रि है। तो 3-3 घंटा का अगर गिनती किया जाए तो 38-24 घंटा। हाँ, इसी अष्ट प्रहर के बारे में भगवान एक गीत भी है, 8 प्रहर के बारे में गीत गाते हैं, इसी अष्ट प्रहर का उन्होंने उस गीत में भी संचालन किया है कि मैं 8 प्रहर में इस हाँ। तरह से सारा कार्य करता हूँ, तुम मुझे दंडित करती हो, हाँ मेरे से काम करवाने का। हाँ। चर्चा अष्ट प्रहर लीला की चर्चा है, तो भक्तों को जब जब नाम जो निरपराध जब नाम होगा तो उन ग्रंथों का अगर अध्ययन करेंगे तो स्वतः सिद्ध भाव से यह लीला चिंता में आएगा। वो डिटेल में कृष्णदास कविराज गोस्वामी गोविंद लीलामृत नामक ग्रंथ में इसकी रचना की है, गोविंद लीलामृत ग्रंथ में हमारे आचार्य जो चैतन्य चैतन्य की रचना किए हैं वे ही गोविंद लीलामृत ग्रंथ में इसकी रचना किए हैं।
ठीक है, हरे कृष्ण जी। और हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हाँ हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम, बोलिए प्रभु। एक क्वेश्चन था, प्रातः कुर्बान अपराह्न मध्याह्न, प्रातः कुर्बान मध्यान्ह मध्याह्न अपराह्न या प्रदोष, सायं उसके बाद प्रदोष। तो ये जो प्रातः काल है, तो प्रातः मतलब ब्रह्म मुहूर्त के बाद जो होता है, हाँ ब्रह्म मतलब मुहूर्त के जस्ट बाद। हाँ और सारे निशांत में भी थोड़ा ब्रह्म मुहूर्त से पहले और माने सूर्योदय से पूर्व जो समय है उसी को निशांत कहते हैं। अच्छा निशात वाले उसको कहते हैं, हाँ ये मुझे अर्थात नहीं निशांत पता में मंगल आरती भी चला जाता है। था। ओके तो निशांत निशांत को मिला के 8 हुआ, तो मैं भी मैंने इनकिन दाता तो 7 हुआ, तो मुझे लगा कि मैंने मिस कर दिया। हाँ। तो निशांत प्रातः पूर्वान्न मध्यान्ह अपराह्न सायं प्रदोष और रात्रि 8 हो गया। एक एक तीन तीन घंटा का हुआ तो 38 24। तो रात्रि रात्रि का मतलब जनरली जो समय होता है वो रात्रि 1 बजे से लेकर हाँ 7 बजे तक होता है, 10 से 1 बजे तक। हाँ से 1 बजे तो 5 घंटे हो गए। 10 से, हाँ सॉरी 10 से 1 3 घंटा हुआ ना। 11 12, हाँ 11 12 ऐसा, सॉरी 3 घंटा हो गया। हाँ 10 से एक बट तीन लगभग 10:30 से 1:30 तक समय रहता है और 1:30 से 4:30 तक माने माने निशांत रहता है और प्रातः फिर अच्छा से 4:30 से 7:30 तक रहता है। 7:30 से 10:30 तक पूर्वान्ह रहता है। 10:30 से 1:30 तक मध्यान्ह रहता है। लगभग माने आनुमानिक है, काल तो भगवान के जगत में है नहीं, लेकिन हम लोग को समझाने के लिए आचार्य गणों ने क्योंकि एक एक रात्रि में ब्रह्मा का एक एक दिन चला जाता है तो बस हम हरे लोग। कृष्णा, हाँ पूज्य हरे कृष्ण बोलिए। क्षमा कीजिएगा, मुझे आगे से निर्देश आ रहा है मुझे कि 5 10 हो गए हैं, हाँ हाँ निश्चय निश्चय तो यहाँ पे ये विराम मीटिंग करें। आईडी आ रही है उसको शायद। हाँ शनिवार रविवार को 5-10 तक ही रहता है। ठीक है विराम करते हैं। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण, हरे प्रभु कृष्ण। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद हरे की कृष्ण, जय। जय श्रील गुरु महाराज श्री की स्वामी जय। महेश प्रभु जी श्रील की गुरु जय। महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।